हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल वेलकम टू फिनाकल टेन ट्यूटोरियल दोस्तों इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा क्लियरिंग के बारे में बहुत ही बेसिक चीज़ आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे ओवरव्यू साइलेंट फीचर्स कैस क्या क्लियरिंग क्या है इनवर्ड क्लियरिंग क्या है क्लियरिंग को हम लोग कैसे जोन ओपन करते हैं पूरा बेसिक चीज़ के बारे में बताएंगे जिसको क्लियरिंग के बारे में ए बी सी भी पता नहीं है तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं तो देखिए

और आउटवर्ड क्लियरिंग इनवर्ड क्लियरिंग इज द प्रोसेस वेर बर द बैंक रिसीव्स वेरियस टाइप्स ऑफ नेगोशिएटेबल इंस्ट्रूमेंट दैट आर ड्रॉन ऑन इट बाय इट्स कस्टमर एंड पार्ट द रिजल्टेंट्स प्रोसीड टू द प्रेजेंटर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट मतलब देखिए एसबीआई का एक चेक है ठीक है आप कस्टमर हो एस को एस का आपने बैंक ऑफ बड़ौदा में आपने किसी कस्टमर के अकाउंट में अपना जो चेक है वो दिए हो ठीक है जमा किए हो बैंक ऑफ बड़ौदा में तो बैंक ऑफ बड़ौदा के अकाउंट में बैंक ऑफ बड़ौदा का जो कस्टमर है उस अकाउंट में क्रेडिट होगा और एस बी आई से डेबिट होगा तो एस बी आई के लिए जो चेक है जो क्लियरिंग में प्रेजेंट हो रहा है बैंक ऑफ बड़ौदा में एस बी आई के लिए वो है आपका इनवर्ड क्लियरिंग और बैंक ऑफ बड़ौदा में रुपया क्रेडिट होगा कस्टमर के बैंक ऑफ बड़ौदा के कस्टमर अकाउंट में तो बैंक ऑफ बड़ौदा के लिए वो हो गया आउटवर्ड क्लियरिंग तो इनवर्ड क्लियरिंग में एस का जो अकाउंट है जो कस्टमर है उसका अकाउंट से एक्चुअली पैसा डेबिट होगा और आउटवर्ड क्लियरिंग में एस का जो चेक वो मैंने बैंक ऑफ बड़ौदा का किसी कस्टमर को दिए हैं तो कस्टमर के अकाउंट में क्रेडिट होगा दैट इज द आउटवर्ड क्लियरिंग फॉर द बैंक ऑफ बड़ौदा और बैंक ऑफ बड़ौदा के खाते में कस्टमर के खाते में क्या होगा पैसा क्रेडिट होगा तो ये है सिंपली इनवर्ड आउटवर्ड क्लियरिंग तो उसके लिए एक जोन ओपन करना पड़ता है जोन इज ओपन फॉर एंटरिंग द चेक डिटेल्स फॉर बोथ इनवर्ड एंड आउटवर्ड इनवर्ड के लिए अलग है आउटवर्ड के लिए अलग है ईच जोन इज एसोसिएट विथ ए जोन कोड एंड द डेट ऑन विच द एंट्री इज मेड द जोन कोड आइडेंटिफाइज अ पर्टिकुलर डेज क्लियरिंग पर्टिकुलर डेट में आप कर, करेंगे तो जोन कोड आपको देना पड़ेगा और डेट भी आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा तो देखिए बहुत सारा मेनू है इनवर्ड के लिए तो देखिए क्या क्या है यहाँ पे है लॉजिंग एम सी एच एम सी एल जेडो एच एच ओ सी टी एम एच ओ सी टी भी ये आपको करना पड़ेगा एच एम सी एल जेडो एच से आप जोन ओपन कर सकते हैं एच ओ सी टी एम से आप क्लियरिंग चेक एंट्री कर सकते हैं और लास्ट में आपको जोन सस्पेंड करना है एच ओ सी टी भी मानना है और रिजेक्शंस अगर करना है तो एच एम आई सी जेड करके आप एच आई सी टी एम कर सकते हैं और इनवर्ट क्लियरिंग अगर करना है तो इनवर्ट क्लियरिंग के लिए भी जोन ओपन करना है एच एम आई सी जेड लेकिन जोन कोड देखिए जोन कोड आपको अलग सिलेक्ट करना पड़ेगा एच आई सी टी एम करना है और रिजेक्शन आप एच आई सी टी एम से कर सकते हैं तो ये है कुछ चीज जो मैं बता रहा था एच एम सी एल जेडो एच जोन ओपनिंग एंड क्लोज एच ओ सी टी एम इंस्ट्रूमेंट लॉजिंग एच एम सी एल जेडो एच जोन सस्पेंशन के लिए भी हम लोग यूज़ करते हैं एच ओ सी टी बी इंस्ट्रूमेंट वेरीफिकेशन्स एच एम सी एल एल ओ जेड एच एल ओ जेडो एच जेडो एच नहीं है यहाँ पे देखिए एच एम सी एल ओ जेड जेड एच ये क्या है रिलीज टू सैडो बैलेंस और लास्ट में आपको क्या करना पड़ेगा एच एम सी एल ओ जेड एच रेगुलराइज द बैलेंस तो ये करेंगे तो आपका जो फंड है वो रिस्पेक्टिव अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा सो टुडे आई एम डिस्कसिंग द वेरी बेसिक अबाउट क्लियरिंग होप यू लाइक द वीडियो एंड इफ यू लाइक द वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल लाइक शेयर एंड कॉमेंट थैंक यू